शहर के छोटा ताजबाग परिसर में गुरुवार को महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार विकास ठाकरे के प्रचार के उपलक्ष्य में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रचार सभा का आयोजन किया था, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे, साथ ही घटक दलों के नेता भी शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव का खुमार नागपुर में दिखने लगा है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। नागपुर में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़त है। ऐसे में कांग्रेस ने विकास ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारा है। गुरुवार को छोटा ताजबाग परिसर में कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और घटक दलों के नेता शामिल हुए थे। इस वक्त नाना पटोले ने मोदी सरकार और विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा असल में 400 BC का नारा है। मोदी अब संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर हुकुमशाही में बदलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में 2014 और 19 में की हुई गलतियों को सुधारने का काम हमें करना है। चहा पाजणार नाही, दारू पाजणार नाही, जेवायला देणार नाही। आता म्हणतात कि जेवायला देतो पण दारू प्यायला देणार नाही। आता फॅक्टरीज आहे आपली बेल्यामध्ये, काय काय ब्रँड बनते तुम्हाला माहित आहे। तिथं एकीकडे सांगायचं की दारूबंदी करायची, महिलांना सांगायचं की मी दारूबंदी करणार, आणि एकीकडे बेल्यामध्ये फॅक्टरी त्या ठिकाणी निर्माण केली। दिल्लीमध्ये मी आमच्या एका मोठ्या नेत्याशी चर्चा करत होतो, त्यांना हे भेटले, त्यांना विचारलं की बाबा तुम्ही जे काही काम करताय देशामध्ये, तर तुमचा एकदम धडाका जोरात आहे। याने उत्तर काय दिलं, मी व्यापारी आहे, मी राजकीय नाही, मी समाजकारण माझं काम नाही, मी व्यापारी आहे। आता आम्ही व्यापारी निवडून पाठवायचा की जनसेवक निवडून पाठवायचा, दोन गोष्टी आपल्या हातात आहे। नागपूरकरांच्या हातामध्ये दोन गोष्टी आहेत, ते स्वतः सांगतात मी व्यापारी आहे। तर दुकान लावायचं ना, पहिले होतं ना आपलं फर्निचरचं दुकान, ते बरं आहे, पण आता व्यापारी निवडून पाठवायचा की जनसेवक निवडून पाठवायचा हे नागपूरकरांनी ठरवायचं आहे, आणि या व्यापारामुळे आमच्या नागपूरकरांचं काय नुकसान झालं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी विकास ठाकरे ने अपनी बात को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर धावा बोला। ठाकरे ने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश की लड़ाई है। इस बार गलती सुधरी नहीं गई तो इस देश में हुकुमशाही का राज होगा। इस बार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, ऐसा भी विकास ठाकरे ने कहा है। साथ ही उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की बात भी मन से कही है। देश परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जे संविधान लिहिलं त्या संविधानावर चालण्याची गरज आहे, आणि म्हणून ही लढाई देशातील सर्व लोकांनी हाती घेतली आहे, आणि म्हणून इंडिया आघाडी बनली, आणि त्या इंडिया आघाडीचा प्रतिनिधी म्हणून मी तुमच्या समोर उभा आहे। ही लढाई माझी नाही, ही लढाई तुमची आहे, मित्र सगळ्यांची आहे, या देशाची लढाई आहे। ही लढाई देश वाचवण्याची आहे, आणि म्हणून या लढाईमध्ये या शहरातील जनता ज्या पद्धतीनं उतरली आहे, सर्व वर्गाचे लोक ज्या पद्धतीनं रस्त्यावर उतरून ही लढाई लढत आहे, याचा नजारा मी 4 दिवसापासून पाहत आहे। 4 मतदारसंघामध्ये पदयात्रा केली मी, 10-10 तास उन्हात फिरून आलो। शहरातली जनता ज्या मतदारसंघात गेलो ती रस्त्यावर आहे, आणि नरेंद्र मोदींना हटवायचा हा निश्चय करू ना मित्रांनो। कांग्रेस ने अपने चुनाव में कई गारंटी दी है, जिसमें 1 लाख का विद्या वेतन, हर सुशिक्षित बेरोजगार को नौकरी, महिलाओं के लिए हर साल 1 लाख सहायता, किसानों की खेती माल को हामी भाव, कर्ज माफी और मनरेगा योजना, व्यक्ति को 400 रुपए मजदूरी देने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की यह नीति किस तरह मतों में परिवर्तित होती है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।